आपने जिस तरह पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात की है, तो सिर्फ पॉलिटिकल टेम्परेचर को नहीं देखा जाएगा, जो आईन कहता है, कानून कहता है, उस पर अमल दरामद करना है, उसको देखना है। कानून के मुताबिक तो जाहिर है एक ग्राउंड बन गई इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके लिए हकूमत के पास, और इमरान खान इस वक्त उस ज्यूरिसडिक्शन में मौजूद हैं जहां गिरफ्तारी कोई बड़ा मसला नहीं है, बल्कि अभी ऐसी इतलात भी हैं कि पुलिस इमरान खान के साथ मौजूद कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जो G11 के कॉम्प्लेक्स में जाकर जिन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तोड़फोड़ की। तो आज ऐसी हैपनिंग भी हो सकती है, कुछ पुलिस टीमें ज़राए के मुताबिक तश्कील दी गई हैं, आज कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकती हैं। बहरहाल इस पर डायरेक्शन दी जा चुकी है, इसको इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन इमरान खान जो इस वक्त एक बड़े जो लोगों के हजूम में और एक बड़ी गैदरिंग में इस वक्त अदालतों का सामना कर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में इमरान खान को गिरफ्तार करना यकीनन हकूमत के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। और इवन जब वो लाहौर में भी होते हैं, जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, तो इतना आसान नहीं है, तसादुम की कैफियत बन जाती है। लेकिन ये चूँकि इमरान खान को मालूम है कि ये केस संजीदा नोयत का है, इस केस में अगरचे वो ये कहते हैं कि ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से बनाया गया केस है, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि इस केस के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से फैसला आने के बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। इस केस में मामला गिरफ्तारी से ज़्यादा जो संगीन है वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर भी अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो मुंतज हो सकता है। बहरहाल ये भी हो सकता है कि वो इस केस में बाइज़त बरी हो, लेकिन इसमें अगर जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई है अभी तक उनकी टीम की जानिब से कोई ऐसे आर्गुमेंट्स, कोई ऐसी दलीलें पेश नहीं की गई जो बताती हों कि इस केस को मेरिट पर लड़ने के हवाले से इमरान खान कोई उनकी कोई हिकमत अमली है। इस केस को अभी तक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर सिर्फ लेके चला जा रहा है, तो ये चीज़ बताती है कि ये केस उनके लिए परेशान कुन हो सकता है। क्यों कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये बता चुके, इमरान खान ये इकरार कर चुके कि चाहे अनइंटेंशनली ही सही, अगरचे उन्होंने FBR में चीज़ें डिक्लेयर की थी, लेकिन इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको डिक्लेयर करना वो ज़रूरी था, वो नहीं किया गया। ठीक है अदील, आप साथ ही रहिएगा। मैं तहरीक इंसाफ इमरान खान के, लेकिन अदील आपसे जानना चाहती हूँ, आज का दिन बहुत ही पेशरफ्त वाला दिन है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम केस की समाअत चल रही है और वहाँ 4 बजे तक का वक्त दिया गया है, लेकिन एक बड़ी जमात जिसके बड़े कंसर्न है इलेक्शन के हवाले से, उसका लीडर इस वक्त जमानत की कोशिशों में मसरूफ है, तो इस केस का असर उस केस पर पड़ सकता है, क्योंकि 4 बजे तो वहाँ के वकला ने जवाब देना है। अदील देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि जो लीगल टीमें हैं वो अपने अपने रहनुमाओं से, अपनी अपनी पार्टी के कायदीन से वो पूछने के बाद, अपने क्लाइंट से पूछने के बाद अदालत को ये आगाह करें कि इंतखाबात की तारीख क्या होगी, और अदालत इंतज़ार कर रही है, अभी अदालत लगी नहीं, लेकिन जज साहिबान अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं। इस केस की जब समाअत होगी तो यकीनन ये बाज़गश्त सुनाई देगी कि इमरान खान साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जो इस वक्त उनके खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं तो उनमें वो पेशियां भुगत रहे हैं, तो उनसे राय लेना, उनसे किस तरह से राबता होगा, जैसा कि फारूक एच नाइक ने भी कहा था कि उन्हें नहीं मालूम जरदारी साहब गए, उन्होंने कहा आप टेलीफोन पर राबता करें और आप अदालत को आगाह करें, तो अब से कुछ देर बाद इस हंगामा खेज दिन में एक मरतबा फिर ये हंगामा खेजी में इजाफा होने जा रहा है, एक बड़ी डिवेलपमेंट आपसे कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें तो कंसेंसस से डेट आती बाहर तो नज़र नहीं आ रही, जिस तरह के रहनुमाओं से हमारी उसके बाद केस की प्रोसीडिंग के बाद जब वक्फा हुआ बात भी हुई तो उस हंगामा खेजी में आगे इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। अदालत ये ज़रूर चाहती है कि ये हंगामा खेजी जो है और ये जो सियासी तूफान इस वक्त बरपा हुआ है इसमें कमी आए, मुल्क के लिए सोचा जाए, यही जमहूरियत है, बैठें तमाम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन अभी तक इस मसले का हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी नज़ीर
जो है वो नहीं बननी चाहिए कि 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाने के फैसले पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाए, इससे मुस्तकबिल में मसाइल पैदा होंगे। इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं, यानी आपने जो सवाल किया कि एक रहनुमा जिसका कंसर्न इलेक्शन की तारीख के हवाले से है, लेकिन 13 जमातें और उन 13 जमातों के तमाम रहनुमाओं का कंसर्न ये है कि इलेक्शन कहीं वक्त पर ना हो जाए, ये वो खुद कहते हैं, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये वो खुद कहते हैं कि इंतखाबात 90 दिन से आगे जाने चाहिए और उसकी वो बहुत सी तोजीहात पेश करते हैं। तो आज इस केस की समाअत जब कंक्लूड हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस केस की समाअत कंक्लूड होते हुए जज साहिबान ने बड़े विजन का मुजाहरा करते हुए, जनाब उमर अता बंदियाल साहब और जनाब मंसूर अली शाह साहब, जब भी ये बड़े इस तरह के केसेस में आमतौर पे देखा बोहरानी कैफियत में देखा गया है कि इस तरह के बड़े फैसले करके उन्होंने मुल्क को बोहरानों से निकाला है, उन्होंने इस तरह के बड़े फैसले करके स्टेक होल्डर्स को बिठा कर आईनी और कानूनी हल निकालने की बात की है। लेकिन एक जानब जब यहाँ से चंद किलोमीटर दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा केस वो भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उस केस का इम्पैक्ट एक बड़ी जमात के, बड़ी अपोजिशन जमात के बड़े लीडर के सियासी करियर से जुड़ा है, क्योंकि अगर उन्हें रिलीफ ज़्यादा तवील रिलीफ नहीं मिलता, ज़्यादा उन्हें ये रिलीफ नहीं मिलता कि गैर मुइना मुद्दत के लिए उनकी कोई जमानत मंजूर हो जाए, तो ये तो उनके लिए रिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर अदालत आलिया उनको बाउंड कर देती है कि आपने एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में, 10 दिन में पेश होना है, तो ये इमरान खान के लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं बल्कि एक उनके लिए लाइन खिंच जाएगी कि उससे आगे ये नहीं जा सकते। फिर उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट अलबत्ता जरूर वो आ सकते हैं, लेकिन फिर मार्जिन कम हो जाता है। तो ऐसे में जफर इकबाल साहब की अदालत में एक और मामला ऐसा जरूर है जिसमें वो तोशाखाना केस वाले मामले को डिले कर सकते हैं कि जब वो जमानत वाले केस में पेश हो जाए और उनकी जमानत खत्म हो जाए, तो फिर फर्द जुर्म आयद करने की स्टेज को वो अगर किसी अदालत में चैलेंज करें तो उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो लग रहा है कि खान साहब की जो कानूनी महाज पर मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर इसका सियासी पहलू जायजा लिया जाए उस हवाले से, तो जो पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली नून लीग जो बार बार ये बासकश कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन उससे पहले इंसाफ होना चाहिए, और वो जो शिकवे शिकायतें भी करते नजर आए कि हम एक दिन में दो दो बार पेश हो रहे थे और खान साहब अदालत नहीं जाते, तो आज यकीनन वो शिकवे भी खत्म हो गए होंगे। देखें, जो मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, ये एग्जैक्टली वो केस है जो जिसका कॉन्सिक्वेंस मियां नवाज शरीफ के जो कैपिटल FZD केस के नतीजे में वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसमें क्या बात की गई थी कि एक रिसीवेबल इनकम है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी का इल्ज़ाम वो लगाते हैं जी, इल्ज़ाम क्या बल्कि उसमें तो कोट किया गया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी को कोट करके कहा गया कि जो रिसीवेबल आपके जो एसेट्स होते हैं, इनकम होती है, वो भी आपके एसेट्स में आते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करने के बाद अदालत ने इकरार दिया कि आपने अपने एसेट्स छुपाए हैं। तो इसमें भी मामला ये, अगरचे मियां नवाज शरीफ ने अपने अकामे की तस्वीर उस वक्त रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराई थी, सिर्फ उस फॉर्म में नहीं लिखा था, यहां पर जो इमरान खान है उन्होंने FBR में अगर वो डिक्लेयर किया था तो उस फॉर्म में नहीं लिखा, वो तहाइफ और उनकी जो मालियत जो कि वाकई ना सिर्फ रिसीवेबल थे, उन्होंने रिसीव किए, उन्होंने एडमिट किया, लेकिन उन्होंने जो कानून की वो क्लॉज है उस पर चूंकि अमल नहीं किया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें कंप्लेनेंट बन गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसने इसको फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का शिकायत कुनिंदा बंद किया। अब जिस स्टेज पे ये केस पहुंच गया है, ये इमरान खान के लिए दर्द सर बन सकता है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की जाए। मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन अदालत उज़्मा से चूंकि हुई है, उसके बाद वो नजरसानी के तमाम फोरम, वो तमाम स्टेजेस खत्म हो चुकी हैं, तो कोई रेमेडी इसकी नहीं है। तो इसकी एक ही रेमेडी है कि आईन में तरमीम की जाए, कोई अदालत, कोई कानून इस वक्त उनको रिलीफ नहीं दे सकता। तो शायद वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर हम डिस्क्वालीफाई इस तरह की नोयत के केस में हुए हैं तो फिर इनको भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो वो इस तरह की जब बात करते हैं तो वो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। इफ एंड बट्स पर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन अदील अभी जो मामला है तोशाखाना केस का जिसमें नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, किस बुनियाद पर यह वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और अब जब अदालत में गए हैं वो जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए, तो क्या इस्तदा रखेंगे अदालत के सामने और किन बुनियादों पर वो जमानत की दरख्वास्त करेंगे?
देखें इमरान खान जो आज F8 कचहरी में पेश नहीं हुए, उससे पहले उन्होंने ये ग्राउंड बनानी शुरू कर दी थी कि वहाँ उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इस पे अभी इस केस के मेरिट्स और इस केस की जो कानूनी ग्राउंड्स के ऊपर वो ये मामला भी लड़ ही नहीं रहे। इस केस में अगर उन्होंने रिलीफ लेना है किसी अदालत से तो उनको इस केस के मेरिट्स पे आना पड़ेगा। इस केस के मेरिट से हटके वो इंतजामी आड़ के पीछे छुपते रहेंगे तो इसमें उनको रिलीफ ज़्यादा नहीं मिल सकेगा और उसमें अल्टीमेटली उनको बाउंड होना पड़ेगा। अगर वो ये कहेंगे कि मैं सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पेश नहीं हो रहा तो अदालत कहीं और लग जाए, वहाँ पेश होंगे, फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। इस बुनियाद पे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए सिर्फ पेश ना होने की वजह से, क्योंकि अदालत कानून के तहत उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती जब तक मुलजम कटहरे में ना हो। उसका एक तरीक़ाकार है, उसका एक डेकोरम है जिसमें चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाती है, इस्तगासा पढ़ के सुनाता है, आमतौर पर जज साहब भी पढ़ के सुनाते हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील भी यहाँ वो चार्जशीट पढ़ के सुना सकते हैं और या एडवोकेट जनरल इस केस में वो चार्जशीट पढ़ के सुना सकते हैं या जज साहब खुद पढ़ के सुना सकते हैं। लेकिन ये एक क्रिटिकल स्टेज है, ये क्रिटिकल स्टेज की एक पोलिटिकल कॉस्ट है इमरान खान के लिए। शायद जेल जाना या उनको गिरफ्तार होना शायद उनके लिए एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा ना करे। उन्हें भी ना, वो क्यों बात करते हैं, इमरान खान जब भी सहाफियों से मिलते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई कराने की तैयारी की जा रही है। तो बुनियादी तौर पे उनका इशारा इस केस की जानिब होता है जब वो कहते हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई कराने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। वो इस केस को पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने भी इस केस को पोलिटिसाइज किया है। उन्होंने तोशाखाना के एक पहलू को जिस तरह से पेश किया कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया है, हालांकि हुकूमत जो जिस पहलू में इमरान खान ये केस भुगत रहे हैं उसके पे ज्यादा बात नहीं करती। यानी जो करप्ट प्रैक्टिस का उन पे इल्जाम है, ये बेसिकली करप्ट प्रैक्टिस से मुराद करप्शन नहीं है। यानी इससे मुराद कुछ ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद तोशाखाना के मामले पे कि इमरान खान ने कोई करप्शन की है। इस केस में करप्शन साबित नहीं हुई। इस केस में अभी तो नैब में जो अलग से केस चल रहा है वो अलग से उनके लिए दर्दसार है। इस केस में इमरान खान के लिए जो करप्ट प्रैक्टिस इलेक्शन एक्ट की जुबान में कहा जाता है कि जब कोई अवामी नुमाइंदा अवाम से छुपाता है, जब वो अपने असासे बनाता है और उसको जाहिर नहीं करता, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस कहा जाता है, जिसकी सजा 3 साल तक है। सजा तो इसमें हो सकता है अलामती हो, जिस तरह के यूसुफ रजा गिलानी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी इसी बड़ी अदालत में हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी की जो गाड़ी थी, झंडा लगे हुए गाड़ी आई और जब वापस गए तो झंडा उतर गया। मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था, तवक्को नहीं की जा रही थी, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कैपिटल FZE केस में मियां नवाज शरीफ के जब वकील ने एडमिट कर लिया कि उनके यो कैपिटल FZE में वाकई उनका अकामा है, तो जज साहिबान ने खुद उसकी फिर इंटरप्रिटेशन की, फिर जज साहिबान ने डिक्शनरीज निकाली जब कानून की किताबों में से उसकी इंटरप्रिटेशन में मुश्किल आ रही थी, तो डिक्शनरीज निकालने के बाद, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के बाद फिर ये डिक्लेयर किया गया कि उसमें ये कहा गया, हवाला दिया गया, उसमें बताया गया ये रिसीवेबल इनकम, अगरचे उन्होंने सैलरी नहीं ली थी जो नून लीग कहती है, तो लेकिन उन किताबों में ये लिखा था कि जब जो चीज़ आपकी रिसीवेबल है, आपने ली नहीं है लेकिन ये आपके एसेट्स हैं, तो उसकी बुनियाद पर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए। यहाँ भी केस वही है, इमरान खान ने जो एसेट्स बनाए तोशाखाना से लिए उनको डिक्लेयर नहीं किया। इसी मामले पर हम मज़ीद बात भी करेंगे अदील, क्योंकि इसको 62(1)F के साथ रिलेट किया जा रहा है, वो किस तरह से रिलेट किया जा रहा है, इससे मैं आप इस मुतालिक आपसे पूछूंगी।